नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एम्प्लॉयमेंट न्यूज के सेशन में और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की जो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एस के डिपार्टमेंट में हाल में ही एस ने यानी कि स्टाफ सेलेक्शन डिपार्टमेंट ने फिफ्टी वैकेंसीज की घोषणा की है तो इसके लिए अप्लाई कैसे करें प्रोसीड्यूर क्या है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है चार्ज क्या है वगैरह वगैरह इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे इस सेशन में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए रोजाना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दो वीडियोस लेकर आता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन यहां पर फॉर्म टाइप ऑनलाइन है लास्ट डेट टू तो अप्लाई फोर्थ सेप्टेम्बर टू है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फिफ्टी है इंस्टीट्यूशन का नाम एस यानी कि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन है जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है जॉब कैटेगरी ये गवर्नमेंट जॉब है अगर इस पोस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अपलिकेशन स्टार्टिंग डेट है फिफ्थ ऑफ अगस्त 2017। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन है फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर 2017 लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट है फिफ्थ सेप्टेम्बर एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा जनवरी 2018 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट है थर्टी जनवरी टू फिफ्थ फेबररी 2018 चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की दोस्तों यहां पर वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है मेल कैंडिडेट्स के लिए बीएसएफ की कैटेगरी से वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है अन कैटेगरी से है नाइन से है फोर्टी वैकेंसी एस टी से टू थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी टू एंड एस टी से है सिक्सटीन हंड्रेड नाइन्टी नाइन वैकेंसीज अगर सी आई एस एफ फोर्सेज की वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो कुछ इस प्रकार है अनरिजर्व से टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी नाइन वैकेंसी है ओ बी सी से फोर्टीन हंड्रेड टेन वैकेंसी है एस सी से सिक्स हंड्रेड नाइन्टी सेवन वैकेंसी है और एस टी से थ्री हंड्रेड नाइन्टी टू वैकेंसी है सी आर पी एफ की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अन कैटेगरी से ट्वेल्थ थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव वैकेंसी है ओबीसी से फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड थ्री वैकेंसी है एससी से थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी वैकेंसी है एसटी से टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव वैकेंसी है अगर सी से बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अन कैटेगरी से 12,375 वैकेंसी है ओबीसी से 4,993 वैकेंसी है एसटी से 3,990 वैकेंसी है एसटी से 2,495 वैकेंसी है अगर एस की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर अन कैटेगरी से 2998 वैकेंसी है ओबीसी से 1424 वैकेंसी है एससी से 999 वैकेंसी है एसटी से 498 वैकेंसी है आई टी फोर्सेस की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसके लिए अन कैटेगरी से 1906 वैकेंसी है ओबीसी से 682 वैकेंसी है एस से फाइव वैकेंसी है एस से थ्री वैकेंसी है अगर ए आर फोर्सेज की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर इसकी वैकेंसी कुछ इस प्रकार है अन कैटेगरी से टू फिफ्टी एट वैकेंसी है ओ बी सी से सिक्सटी वन एस एस से 49 नाइन एंड एस टी से फिफ्टी फाइव वैकेंसी है एन आई एन ए फोर्सेज के लिए अन कैटेगरी से फोर्टी नाइन वैकेंसी है ओ बी सी से उनतीस वैकेंसी है एस से 19 वैकेंसी है एंड एस टी से नाइन वैकेंसी है एस एस एफ फोर्सेज के लिए वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है अनरिजर्व कैटेगरी से 242 वैकेंसी है ओ बी सी से 62 वैकेंसी है एस सी से 27 वैकेंसी है एस टी से 46 वैकेंसी है चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसी डिटेल्स के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर बी एस एफ से वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस प्रकार है हैव कैटेगरी से टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव वैकेंसी है ओ बी सी से एलेवन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री वैकेंसी है एस से 800 वैकेंसी है एस से 498 वैकेंसी है अगर सी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर फीमेल्स के लिए अन कैटेगरी से 290 वैकेंसी है ओ से 146 वैकेंसी है एस से 85 वैकेंसी है और एस से 44 वैकेंसी है सी आर पी एफ फोर्सेज की अगर बात करें फीमेल्स की वैकेंसी डिटेल्स की तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से 1000 वैकेंसी है ओ से 490 वैकेंसी है एससी से 354 वैकेंसी है एंड एसटी से 196 वैकेंसी है चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एसएसबी फोर्सेस के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में फीमेल्स के लिए तो ये दोस्तों यहाँ पर अन कैटेगरी से 347 वैकेंसी है ओबीसी से 149 वैकेंसी है एस से हंड्रेड वैकेंसी है एंड एस से फिफ्टी वैकेंसी है आई टी फोर्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अन कैटेगरी से 182 वैकेंसी है ओबीसी से 97 वैकेंसी है एस से 50 वैकेंसी एंड एस से 45 वैकेंसी है ए की अगर बात करें तो यहाँ पर अन कैटेगरी से 159 वैकेंसी है ओबीसी से 67 वैकेंसी है एस से 49 वैकेंसी है एंड एस से 59 नाइन वैकेंसी है एन स्लैश ए फोर्सेस की अगर बात करें तो यहाँ पर अन कैटेगरी से फाइव वैकेंसी है ओबीसी से फोर वैकेंसी है एस से थ्री वैकेंसी है और एस सी से कोई भी वैकेंसी नहीं है यहाँ पर दोस्तों अगर एस एस एफ की बात की जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से ट्वेंटी वैकेंसी है ओ से नाइन वैकेंसी है एस से सिक्स वैकेंसी है एंड एस से एट वैकेंसी है तो दोस्तों यहाँ पर टोटल फिफ्टी थाउजेंड वैकेंसीज हैं अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर एज लिमिट कुछ इस प्रकार है कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स है वहीं मैक्सिमम एज लिमिट 23 इयर्स है एज रिलैक्सेशन कुछ इस प्रकार है ओबीसी के लिए थ्री इयर्स है एस सी के लिए फाइव इयर्स है एक्स सर्विस मैन ओ के लिए सिक्स ईयर्स है एक्स सर्विस मैन एस सी के लिए एट ईयर्स है अगर दोस्तों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों कुछ इस प्रकार है कैंडिडेट्स हु वॉन्ट टू अप्लाई फॉर जी डी कॉन्स्टेबल्स बी एस एफ सी आर पी एफ सी आई एस एफ आई टी बी पी एस एस एफ एस एस बी एन आई ए एंड राइफल मैन मस्ट अ ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा टेंथ पास फ्रॉम अ रिकोगनाइज बोर्ड और एडुकेशनल इंस्टीट्यूट फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हाइट फॉर मेल्स है वन हंड्रेड सेवेंटी सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल्स है वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन सेंटीमीटर चेस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर फोर मेल है एक्सपेंडेड एट्टी सेंटीमीटर एंड मिनिमम है एक्सपेंसन फाइव सेंटीमीटर अगर अप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जनरल एंड ओ के लिए फिफ्टी रुपीज एप्लीकेशन फीस है एंड एस सी एंड एस टी के लिए ये यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा अगर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिसियंसी टेस्ट रिटर्न एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप हंड्रेड मार्क्स एंड मेडिकल टेस्ट पे निर्भर करेगा तो दोस्तों अब आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर फिफ्थ अगस्त से लेकर फोर्थ सितंबर के बीच अपना फॉर्म अच्छे से फिलअप कर सबमिट कर दें और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के अंत में या फिर हमारे चैनल में सब्सक्रिप्शन बटन के जस्ट बगल में मिल जाएगा दोस्तों इस पोस्ट से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने सारे दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दें क्योंकि आपका एक भी शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो प्लीज़ शेयर करें सो गाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज के सेशन में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है अगर अभी भी आपका कोई डाउट बच गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स से आपको पता है कहाँ कमेंट करना है या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है सेवन सिक्स सेवन नाइन सिक्स फाइव फोर फाइव जीरो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे एक नई वैकेंसी के साथ तब तक के लिए कीप स्टिंग एंड कीप लुकिंग एम्प्लॉयमेंट न्यूज And subscribe Vampire Hub, the ultimate knowledge hub. Thank you.